हाय गाइज, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। तो चलो आज हम बात करेंगे गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग के नए आए ट्रेलर के बारे में। फिल्म का डायरेक्शन किया है एडम विंगार्ड जी ने। आपको पता होगा ये फ्रेंचाइजी की, गॉडज़िला फ्रेंचाइजी की 36 नंबर की फिल्म है। पहली फिल्म आई थी 1954 में जिसका डायरेक्शन किया था आइशिरो होंडा जी ने। तब उस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, बहुत लोगों ने उसको देखा था। उसकी स्टोरी लाइन, उसके विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही खतरनाक थे। अब इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म की स्टोरी हम एक बता सकते हैं कि जो कॉन्ग है उसके जो प्रोटेक्टर है उसे वो छोड़ने जा रहे हैं उसके घर, और तभी वहाँ गॉडज़िला आ जाता है और उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। उसके बाद गॉडज़िला शहर की ओर बढ़ने जाता है और शहर दबा करने लगता है। अब कॉन्ग वहाँ जाएगा और उससे फाइट करेगा और शहर को बचाएगा। ये बेसिक स्टोरी लाइन है इस फिल्म की। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा इन टाइप की फिल्मों के बारे में। इन फिल्म को बहुत ही बड़े स्केल पे शूट किया जाता है, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत अच्छी तरह से विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, एनिमेशन होते हैं, एक्शन बहुत अच्छी होती है। पर एक प्रॉब्लम होता है इन फिल्मों में कि इन फिल्मों की स्टोरी लाइन, ये लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं अपने विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन और टेक्निकल चीज़ों पर, पर थोड़ा पैसा खर्च नहीं करते यार स्टोरी लिखने पर। मतलब इन फिल्मों की स्टोरी इतनी प्रेडिक्टेबल होती है कि मतलब कोई भी बता देगा यार स्टोरीज की, थोड़ा अंदाजा आ जाएगा आपको तो पूरी फिल्म की स्टोरी पता चलेगी। मतलब ट्रेलर से ही आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी कि फिल्म में क्या होने वाला है, थोड़ा भी सस्पेंस नहीं है। और ये चीज़ें उनकी पहले फिल्मों के भी साथ भी हुई है। मतलब जो लास्ट फिल्म आई थी उनकी कॉन्ग स्कल आइलैंड, तो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम होता, बहुत प्रेडिक्टेबल स्टोरी थी, बहुत लोगों ने उसको डिसलाइक किया था। और ये चीज़ें सिर्फ इसी फ्रेंचाइजी के साथ नहीं हो रही, बहुत फ्रेंचाइजी के साथ ये चीज़ें हो रही है। मतलब इवन आप जेम्स बॉन्ड की फिल्मों लोगे तो आपको एक आएगा पता कि एक स्ट्रक्चर है फिल्म का, उसमें ही फिल्म जा रही है। कोई फिल्म लो जेम्स बॉन्ड की, या आप अगर जुरासिक पार्क लो, तो जो स्पीलबर्ग जी ने वो फिल्में बनाई थी लेट 90s में, दो फिल्में बनाई थी, तो वो बहुत ही अच्छी बनाई थी। उसका स्ट्रक्चर, उसकी स्टोरी लाइन, विजुअल इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स या टेक्निकल लेवल पे बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी। पर अब 3-4 साल पहले उसके सीक्वल्स आए थे जुरासिक वर्ल्ड, तो मुझे लगता है कि उन फिल्मों में कुछ वर्क ही नहीं किया उन्होंने, सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन पे खर्चा किया है और जो स्टोरी लाइन थी जुरासिक पार्क की वही उठाई है। तो मुझे लगता है कि जितना ये वर्क करते हैं इन विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन पे, तो मुझे लगता है कि जो स्टोरी है उस पर भी थोड़ा खर्चा करना चाहिए। अब बात करूँगा कि ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए बड़े थिएटर्स में जाके। तो इन फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सिक्वेंस, ये इतने बड़े लेवल पर शूट करते हैं इन सब चीज़ें, तो वो मज़ा आता है। जो बड़े बड़े थिएटर्स है वो आईमैक्स पे उन्होंने ये फिल्म शूट की है, तो जो थिएटर में बहुत बड़ा मज़ा आने वाला है ये फिल्म देखने में। पर थोड़ा स्टोरी में थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है। तो यार यही था मेरा ऑब्जर्वेशन इस ट्रेलर के बारे में। आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको इस ट्रेलर की क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी या इस फ्रेंचाइजी की क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है। बाकी मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, शेयर करो। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।